हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रहनुमाई रसोई। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, आपकी रसोई के साथी, आपकी रसोई की रहनुमा। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रेसिपी की जो बहुत फेमस है नागपुर महाराष्ट्र में, जिसका नाम है सावजी चिकन। और इसमें लगने वाले मसाले कुछ इस तरह हैं जो आपके किचन में बहुत आसानी से मिल जाते हैं और ये बन भी बहुत जल्दी जाता है और टेस्टी टेस्ट में बहुत स्पाइसी होता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं इस सफर में, इस जायके के सफर में। लेकिन इस सफर में चलने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज प्लीज दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपने घर में बनाया तो कैसा बना। तो चलिए हम चलते हैं इसके मसालों की तरफ। पहले कुछ मसाले इस तरह हैं। इसमें थोड़ी सी राई लगेगी, हाँ 1.5 टी स्पून से थोड़ी कम, सेम उतनी ही जीरा यूज करेंगे आप। ये है फूल, ये है सिनेमन स्टिक्स जिसको हमने तोड़ के रखा है, ये है काली मिर्च, थोड़ा सा नारियल, एक बे लीफ, तेजपत्ता, चार हरी मिर्ची, थोड़ा सा हरा धनिया और एक प्याज। सिर्फ एक प्याज से आपका ये सावजी चिकन रेडी होने वाला है। चलिए हम बढ़ते हैं इसके मसालों की तरफ। इसके मसाले कुछ इस तरह हैं। मैंने इस स्पून से लिया है इसका मसाला, तो इस स्पून से 2 स्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, 2 स्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1.5 स्पून मैंने चिकन मसाला लिया है, थोड़ा सा मैंने 1/2 टीस्पून मैंने लिया है आपका गरम मसाला खुशबू के लिए, और हम इसमें से थोड़ी सी हल्दी पाउडर लेंगे और इसमें हम यूज करेंगे ये सॉल्ट। सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग रहेगा, जितना आपको लगता है आप उतना यूज करिए। और ये पानी जो हम टाइम टाइम पे यूज करेंगे, ये है अदरक का पेस्ट। अगर आपके पास अदरक खड़ी है तो आप उसको बारीक काट के यूज कर सकते हैं और इसमें डाल सकते हैं। और ये है हमारा सबसे मेन इंग्रेडिएंट जिसके बेस पे आज सावजी चिकन बनने वाला है, चिकन। ये है 1/2 केजी चिकन, इसके 1/2 केजी के अकॉर्डिंग मैंने ये सारा मसाला लिया है। अब हम शुरू करते हैं हमारी प्रोसेस। तो ये जो है हमारा ये वाला जो मसाला है, खड़ा गरम मसाला जिसे हम बोलते हैं, वो खड़ा गरम मसाला हमें थोड़ी देर तवे पर, देखिए मैंने तवा यहाँ पर रखा हुआ है, तवे पर, इस तवे पर हम थोड़ा ये हमारा खड़ा गरम मसाला डालेंगे और थोड़ी देर भूजेंगे, एक उसकी एक भीनी भीनी खुशबू आए तक। और ये हमें हरी मिर्ची भी इसी के साथ थोड़ा सा फ्राई करना है, थोड़ा सा भूजना है सूखा सूखा। हम तेल ऑन, ये गैस ऑन करते हैं, बिना तेल के हमें इसको फ्राई करना है। देखिए जैसे ही थोड़ा सा भूजने लगता है आपका राई और जीरा चटचटाने लगता है, ऐसे आवाज आने लगती है, बस आप समझ लीजिए कि आपका ये मसाला भूंज गया है। अब आपको इसको एक प्लेट में निकाल के मिक्सर के जार में इसको पीस लेना है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो मसाला मैंने भूजा था तवे पर, वो मैंने उसको फाइन ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसको थोड़ा अलग रख देते हैं। अब आते हैं हमारे मेन पार्ट की तरफ, जिसकी वजह से सावजी चिकन में टेस्ट आता है, जैसे होटलों में बनता है वैसी सेम उसका मेन रीजन जो है वो ये है। ये आपको ना प्याज को काटना है ना छीलना है, आपको डायरेक्ट उसको गैस पे रख के ऐसे, इससे आपके सावजी चिकन में एक स्मोकी फ्लेवर आएगा, प्याज में एक स्मोकी फ्लेवर आएगा और आपके सावजी चिकन यमी बनेगा। देखिए फ्रेंड्स, 2 मिनट हमने इसको गैस पे रखा है हमारी प्याज को, और ये इस तरीके से भुंज गया है। बस आपको इतना ही भूंजना है, इससे इसमें एक स्मोकी फ्लेवर आ गया है, आपकी प्याज स्मोकी स्मोकी लगेगी। और आपको सिर्फ ये करना है कि आप इसको मिक्सर में पीस लेना है, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद पीसिएगा और इसको पीस के मसाला तैयार करना है। जैसे कि हमने आपसे कहा था कि प्याज को पीस लेना है थोड़ा ठंडा होने पर, ये देखिए हमने प्याज को पीस लिया है ना। और हमने ये एक कढ़ाई ली है, इस कढ़ाई में इस स्पून से 3 स्पून ऑयल डाल दिया है, ज्यादा स्पून, थोड़ा सा ज्यादा स्पून लगता है क्योंकि जो मसाले हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। देखिए अब हमने ऑयल गर्म हो गया है, हमने ये मसाला इसमें डाल दिया है। अब उसको मसाला डाल के चम्मच चलाना है, थोड़ी देर भूंजना है इसको, 2 से 5 मिनट भूंजना है। देखिए अब हमने इसको थोड़ा सा भूंज लिया है 5 मिनट तक। अब हमें इसमें अदरक का पेस्ट डालना है 1 टीस्पून, क्योंकि हमारा 1/2 केजी चिकन है तो हम इसमें 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट डालेंगे। अब हमें इसको थोड़ा भूंजना है अच्छे से, ताकि वो अदरक की जो वो है वो निकल जाए। ठीक है, अब हमें मसाले डालना स्टार्ट करना चाहिए। मैंने इसको 5 से 7 मिनट में भूंज लिया है। अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले टर्मेरिक, हल्दी पाउडर इतना, इसके बाद हम आएंगे धनिया पाउडर पर, हम धनिया पाउडर डालेंगे। इसके बाद हमें डालना है रेड चिली पाउडर,
उसके बाद डालेंगे हम थोड़ा सा गरम मसाला। अब हमें इसे अच्छे से कलर आए तक थोड़ा सा भूंज लेना है मसाले को, ताकि मसाले की झलक से कच्ची कच्ची स्मेल है बनाए। देखिए आप देख सकते हैं कि मसाले का कलर कितना अच्छा आ गया है, मसाला भूंज गया है, लेकिन तेल बिल्कुल इसने एब्जॉर्ब कर लिया है। आपको मसाला भूंजने के लिए बिल्कुल भी पानी यूज नहीं करना है। आपको लग रहा है थोड़ा सा ऑयल कम हुआ है, तो हम ऑयल अलग से डालेंगे इसमें। 2 or 3 spoon आप ऑयल अलग से डाल दीजिए, ताकि जब आप चिकन डालें तो उसमें वो अच्छे से भूंजे। बस इतना अब काफी है, आपका मसाला बहुत अच्छे से भूंज गया है। अब आपको गैस की फ्लेम लो कर देनी है। अब हमें इसमें मिक्स करना है चिकन, हमारा मेन जो है आइटम वो चिकन साउ चीज मसाला। ये देखिए आप इसमें चिकन ऐड कर दीजिए, इसको फिर थोड़ी देर भूंजना है आपको। देखिए हमने इसमें चिकन मसाले में चिकन डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हमें इसमें वो मसाला डालना है जो हमने सबसे पहले भूंजे थे तवे पर, जो हमने पीस लिया है। अब हमें इसमें वो मसाला डालना है जो हमारा मेन मसाला है, चिकन साउजी मसाला। ये देखिए अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। देखिए हमने वो मसाला डाल दिया जो हमने भूंजे थे। अब इसमें हमें पानी डालना है। पानी आप इतना डालिएगा कि अच्छे से आपकी जो चिकन है वो मसाला अब्जॉर्ब कर ले और ये थोड़ा सा गल जाए। ये देखिए देखिए इसमें आपको इतना पानी यूज करना है ताकि मसाला और चिकन आपके अच्छे से अब्जॉर्ब कर ले। अब हमें इसमें नमक डालना है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालिए, क्योंकि कुछ लोग ज्यादा खाते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं, तो इतना आप नमक डाल दीजिए इसमें। हमने इसमें नमक डाल दिया है इतना, और ये जो हमारा पाउडर था चिकन मसाला वो लास्ट में डालेगा। और अब ये है हमारा हरा धनिया जो हम इसमें डाल रहे हैं, इससे खुशबू आएगी आपके। तो अब हम इसे मीडियम से लो फ्लेम में 15 से 20 मिनट तक के लिए ढक के रख देंगे, ताकि ये अच्छे से पक जाए, अच्छे से आपका जो चिकन है वो एब्जॉर्ब कर ले मसाले। देखिए 20 मिनट तक मैंने इसको ढक के रखा, उसके बाद इसको ओपन किया तो ये मेरा मसाला अच्छे से भुन चुका था और ये तेल ऑयल भी ऊपर आ गया था। चिकन पूरी तरीके से गल चुकी है और इसने मसाला एब्जॉर्ब कर लिया है। तो गाइस ये रहा आपका साउजी चिकन, स्पाइसी साउजी चिकन। तो प्लीज इसको घर पे बनाए इतने कम इंग्रेडिएंट से। सो गाइस देखिए हमारा साउजी चिकन बनके तैयार है, और देखिए कितना अच्छा इसका लुक आया है। ऑयल भी बिल्कुल परफेक्ट है, ना ज्यादा ना कम, हमारे चिकन ने पूरा एब्जॉर्ब कर लिया मसाला। ये स्पाइसी साउजी चिकन, प्लीज दोस्तों इसको अपने घर में बनाइए और कमेंट करके मुझे बताइए प्लीज। मैं और और आप लोगों के लिए ऐसे ही रेसिपीज लेकर आऊंगी। तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट, और घर पे रहें, सेफ रहें, टेक केयर, बाय।